हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज क्या है? आज है रक्षाबंधन, 31 अगस्त है। और सबसे मेरे लिए जो बड़ा है उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन, जो छोटा है उनको भी हैप्पी रक्षाबंधन है। और इनको ज़्यादा हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। और ये सुबह सुबह तो गुन्नू के हाथ का तो राखी तो पहने दिया, उसका वीडियो भी अभी दिखा दूँगी। और हस्बैंड भी बैठा है, जाएँगे हम सब मेरी नंद के घर। तो मैं वो रेडी हो चुकी हूँ नॉर्मल सा सारा सीधा। तो चलिए दिखाते हैं आगे का। अभी दोनों को राखी पहनाएंगे गुन्नू ने, और बैठ चुका है। और ये अपने भाई को जो है कहाँ पे, चाची के घर लगा के आ गया ना। मेरा कैमरा फोकस नहीं दे रहा है। फाइनली वो शुभ दिन, शुभ घड़ी आ ही चुका है राखी का। संदीप को राखी पहनाना हो चुका है, आप पहनाएंगे सायन को, है ना गुन्नू। चलो पहना दो। पता नहीं सायन को किस बात के हमेशा हंसी आते हैं। ले अच्छे से पहन ले, वीडियो हो रहा है। तो फिर क्यों हंस रहा है? वीडियो हो रहा है, ज्यादा नौटंकी मत कर। चल ले पहन ले, हर बार अपने आप से करवा ले। अभी रुक जा। हाँ बस हो गया। मिठाई खिला दे, पानी पिला दे, हो जाएंगे। अब राखी पहनाना हो गया, अब एक काम करो, दीदी का पैर छो लो। आप दीदी को गिफ्ट दे दो। चल पैर छो। चलो इन लोगों का तो राखी पहनना हो चुका है। आप आगे का जो भी अपडेट है मैं धीरे धीरे करके सब कुछ दिखाऊंगी। ना 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 बोसला होवे नहीं। रुपले पैसे तकाओ पढ़ाते तकाओ ना। आकाश ए पास ताका ओय यहाँ पे पहले एक बात बोल देती हूँ, मेरे जो भाई है वह भी कलकत्ता में ही रहता है, यहाँ पे आया नहीं, आ नहीं पाया। मेरी राखी के दिन को एक दूसरे को राखी पहनाया और बहुत ही इंजॉय किया। पर हाँ आज का दिन भाई को जो है बहुत मिस किया था। और आप वीडियो कंटिन्यू देखिए। तुम्हारे छेले मुझे हाथ पर छेले कैसे मेरे को इधर
निकल गए। तो दीजिए ना, और मन खराब होएगा चले। हाय रे, আমরা নাচি পড়াতে পারবো না, আমরা মা হই। খাবে মাওনি, তুমি তো খেলা দো, এবার আবার খেলাও না। क्या बोला दादा का दे सूट? ভিডিও হচ্ছে এপাশে তাকাও, তাকি লো এপাশে। तो चलिए आज का वीडियो यही तक है, क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने बनाया, ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं। और कौन कौन अपने भाई बहन को राखी पहनाया आप सब कमेंट करके बोलिए, और मेरे तरह कोई अपने बहन बहन को राखी पहना तो वो भी कमेंट करके बताइए।